श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा आए थे। जैसे ही उद्धव चले यमुना को पार किया, यमुना की कलकल ध्वनि में कृष्ण का ही नाम है, भ्रमर की गुंजार में, मयूर की केका में, पक्षियों के चहक में, सब जगह कृष्ण 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 ही नाम निकल रहा है। उद्धव को लगता है कि कोई इतना प्रेम कर सकता है, जहां देखो कृष्ण नाम व्याप्त हो रहा है। और जब रथ आगे बढ़ाया, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से गोपियां नित्य माखन उतारते हैं, चीके पर रखते हैं, मथुरा की ओर देखते रहते हैं, आएगा आकर के हमारा माखन चुराएगा, आएगा। आज रथ को आते हुए देखा, दौड़ पड़ी, लगता है हमारा कृष्ण आ गया है, हमारा कन्हैया आ गया है। और रथ के पास पहुंची तो सहम गई, रथ में तो कोई और ही बैठा है। थकी सी रह गई। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्णा, हम नंद भवन जाना चाहते हैं, नंदालय का रास्ता कौन सा है? रोती हुई एक गोपी ने उलाहना देते हुए कहा, मथुरा वासी, अब क्या लेने आए हो? अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम मथुरा वासियों को देने के लिए। अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, एक आया था हमारा सब कुछ लेकर, सब कुछ छीन कर चला गया, अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता। जाना चाहते हो नंद भवन? देखो ये जो रास्ता भीग रहा है ना, ये जो प्रवाह आ रहा है, इसी पर अपने रथ को चलाओ तो पहुंच जाओगे नंद भवन। उद्धव ने पूछा कि क्या नंद भवन में कोई जल का स्रोत है? इतना जल बहकर आ रहा है, ये क्या है? रोती हुई गोपी ने कहा, मथुरा वासी, ये कोई जल का प्रवाह नहीं है, दिन रात कृष्ण प्रेम में रोती हुई मैया यशोदा के आंसुओं की धारा है। दिन रात कृष्ण प्रेम में व्यवल होकर रोती यशोदा की आंसुओं की धारा है। यह सुनकर आज पहली बार उद्धव के ज्ञान को धक्का लगा, कोई इतना प्रेम कर सकता है, ये कैसे है? और भीगे हुए मार्ग पर रथ चलाया। उद्धव पहुंचे, बाहर से आवाज लगाई, मैया मैं देवरात का पुत्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। यशोदा कहने लगी, जो भी धीरे बोलो, मेरा लाला सो रहा है, जाग जाएगा। यशोदा पालने के पास बैठी है, पालने को हिला रहे है, पालने में कोई नहीं है, पर मैया को ऐसा अनुभव होता है कि मेरा लाला अभी पालने में सोया हुआ है। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण को जाए तो कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन क्या मैया आज भी ऐसा समझती है कि उसका लाला उसके पालने में सोया हुआ है? समझाया, मैया कन्हैया तो कब का मथुरा चला गया। बाबा आए, नंद बाबा की अवस्था ऐसी है कि कभी कभी उन्हें लगता है कि कन्हैया गोचारण के लिए गया है, तो हाथ में माखन और रोटी लेकर के बड़ी दूर तक वन में चले जाते हैं। आवाज लगाते हैं, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? देख मैं तेरे लिए माखन रोटी लाया हूं, बेटा तू घर आ जा। ग्वाल बाल पकड़ कर लाते, बाबा लौट चलिए, क्यों बाबरे हो रहे हैं? और यहां कभी कभी नंद बाबा अपनी गौशाला में जाते हैं, अपनी गायों की दशा देखते हैं और गायों की गलवई अडाल कर रोने लग जाते हैं, दोनों ही पात्र छूट जाता है, मेरी हाथी के बच्चे जैसी हिष्ट पुष्ट गायों की क्या दशा हो गई कृष्ण के हृदय में। रोते रोते गाय कृष्णकाय हो गई, पयोधर सूख गए, और इन गायों के अवस्था क्या हो गई? अब जो है नंद बाबा ने आकर के उद्धव को देखा, सत्कार किया, कुशल पूछी और कहने लगे, श्री नंद बाबा कहने लगे, उद्धव सब कैसे हैं? कन्हैया कैसा है? माता जी ब्रात जाओ, भैया ब्रात जाओ, जो भी देना लेना है बाद में कर लेंगे, अभी ब्रात जाइए भैया, समय मिलेगा। और बहुत बोले भक्तवत्सल भगवान की, वही मेरे श्याम है, 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 वही मेरे श्याम है।
रहे हैं उद्धव, कन्हैया कैसा है? कभी हमें याद करता है कि भूल गया अपनी मैया यशोदा को, अपनी गायों को, अपनी गोपियों को कभी याद करता है कि भूल गया है मथुरा में जाकर के? अपि स्मरन्ति नः कृष्ण मातरम् सुहृदो सखे गोपालपदं चात्मनाथम् गावो वृन्दावनम् गिरिम्। अपि स्मरन्ति नः नंद बाबा कहने लगे, उद्धव तुम जिसको भगवान कह रहे हो मैं जानता हूं उसको, तुम उसको परमात्मा कह रहे हो ना? मैं जानता हूं कि भगवान वह होते हैं जिनका नाम स्मरण करने से सब भव बंधन छूट जाते हैं, लेकिन जिसको तुम भगवान कह रहे हो उसके बंधन तो मैंने छोड़े हैं। जब उसकी मैया ने उसको उखड़ से बांध दिया था तो मैंने उसके बंधनों को छोड़ा था। तू कह रहा है वो ईश्वर है और ईश्वर में भूख प्यास नहीं होती उद्धव, लेकिन कितनी बार कन्हैया को माखन के लिए मैंने मचलते देखा है, माता माखन के लिए रोते देखा है। मैं कैसे मानूं कि वो भगवान है? मेरा कन्हैया है, मेरा लाला है वो। उद्धव जी समझा रहे हैं, देखो आपको उसका इस प्रकार ग्रह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह व्यापक है। नंद बाबा कह रहे हैं, उद्धव किसी प्यासे व्यक्ति को कोई पानी का उपदेश दे, क्या पानी के लिए रोते हो? यहां देखो पानी है, मेघों में पानी भरा हुआ है, पृथ्वी को जहां खोद के पानी है, शरीर में भी तो पानी है। अब आप बतलाइए, जो व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो रहा है, कंठ सूख रहा है, उस प्यासे व्यक्ति को पानी का उपदेश देंगे तो उसकी प्यास दूर होगी? प्यासा कहेगा, भैया पिला सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो, मुझे पानी का उपदेश मत दो। नंद बाबा कह रहे हैं, भैया उद्धव मिला सकता है तो कन्हैया से मिला दे, कन्हैया का उपदेश नहीं, मुझे कन्हैया से मिलना है। एक झलक दिखा दो, एक बार मिलवा दो। वो ही मेरे श्याम है, 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 वो ही मेरे श्याम है। Amen.